Hello students, today we learn standard 5th English grammar, lesson number 15, direct and indirect speech. In this, we are learning changes that occur when we change the direct speech to indirect speech. ये हमारा second video है. First video में भी हमने कुछ rules पढ़े थे. तो direct speech में से indirect speech में sentence convert होता है. तब उसमें जो changes होते हैं, वो क्या होते हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. इन दैट द टेंस ऑफ द सेंटेंस चेंज, सेंटेंस में जो टेंस होता है वो चेंज होता है जब कोई भी डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट स्पीच में हम सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं. इन दैट फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसका सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा. अगर सेंटेंस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा. और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा. अगर सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा. और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा. ये चेंजेस तब होंगे जब सेंटेंस डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो. नाउ नेक्स्ट, द टेंस इज, द टेंस डज नॉट चेंज इन द केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ. अब अगर कोई भी सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ एक्सप्रेस हो रहा है, यूनिवर्सल ट्रुथ बताया जा रहा है, तब टेंस में कोई चेंज नहीं होता. फॉर एग्जांपल, लेट मी से द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. यहां पे यूनिवर्सल ट्रुथ एक्सप्रेस हो रहा है तो टेंस में कोई चेंज नहीं होगा. द साइंटिस्ट सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. नाउ नेक्स्ट, सर्टेन वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस ऑफ टाइम एंड प्लेस आर चेंज इन टू वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें टाइम और प्लेस एक्सप्रेस हो रहा है तब उसमें कुछ चेंजेस होते हैं. डायरेक्ट स्पीच में से जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होता है तो वो वर्ड्स में चेंजेस आते हैं. फॉर एग्जांपल, नाउ है तो वो वर्ड को इनडायरेक्ट स्पीच में वहां देन यूज होगा. हियर है तो देन यूज होगा. अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस वर्ड यूज हुआ है तो उसकी जगह दैट यूज होगा. दिस की जगह दोस, एगो की जगह बिफोर, यस्टरडे है तो द लास्ट, द डे बिफोर और द प्रीवियस डे. लास्ट वीक है तो द वीक बिफोर और द प्रीवियस वीक हो जाएगा. अगर डायरेक्ट स्पीच में द थस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में सो होगा. लास्ट नाइट है तो द नाइट बिफोर, टुडे है तो दैट डे, टू नाइट है तो दैट नाइट. अगर ईयर आफ्टर है तो देयर आफ्टर होगा. अगर टुमोरो है तो नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे हो जाएगा. द लास्ट मंथ है तो द मंथ बिफोर और द प्रीवियस मंथ. ये वर्ड्स में चेंजेस होते हैं. तो जब भी कोई भी हम डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट स्पीच में अगर सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो ये वर्ड्स भी कन्वर्ट होते हैं. तो ये सारे रूल्स थे जब हम कोई भी डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो ये रूल्स लागू होते हैं.